तो गाइस इसका ना लास्ट टाइम आज ना इसका स्टॉक का साउंड सुन लो, क्योंकि इसके बाद आपको स्टॉक साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इसी से ही मिलेगा। तो गाइस लेट्स सी। गाइस मैंने यहाँ पे दो वाच, अरे मम्मी ने यार एग्जॉस्ट गिरा दिया मेरा। अबे यार मम्मी क्या कर रही है यार। अभी गाइस जुगाड़ क्या कर रखा है कि यहाँ पे हमने तार लगा रखी है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्लैंप है ना ओरिजिनल वाली होगा, इस लग नहीं रही, टाइट ही नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं देहरादून जाके जब भी मेरा हिसाब किताब बनेगा मैं तब करवा दूंगा। और फिलहाल ना गाइस इसका भी कुछ मतलब स्टार्ट नहीं किया, तो गणेश भाई से स्टार्ट करवाता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। एग्जॉस्ट सुनने के लिए भाई रेडी रहो भाई। एससी गाइस जो आप बोल रहे थे ना कब से कि लगाओ लगाओ लगाओ, तो गाइस हमने लगा दिया। चलो गणेश भाई कर दो स्टार्ट, कर दो भाई, तो गाइस चेक करना भाई। अरे कर 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 यार। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल नॉडी नेगी। तो गाइस आज की जो व्लॉग है गाइस अपने घर के बाहर से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बिकॉज गाइस आज ना मेरे को, मैं आपको इसका जो बैंड जो पिछले वाले व्लॉग में था ना, मैंने सिर्फ आपको थंबनेल में देखा होगा बैंड पाइप की फोटो वगैरह, ठीक है। तो गाइस मैं अभी आपको ने सारा सारा सीन दिखा देता हूँ क्या क्या, क्योंकि गाइस हमको एग्जॉस्ट वगैरह ना इसमें मॉर्निंग सुबह में इंस्टॉल करवाना था, बट गाइस सुबह गणेश भाई के पास इतना टाइम नहीं था। तो मैं आपको एक बार ना मेरे पीछे देख लूँगा गाइस सारा सेटअप पड़ा हुआ है। तो गाइस ये हमारा है जैन 3 का ड्यूक 390 का बैंड पाइप जो मेरा करोल बाग से आया था, ठीक है। और इस डब्बे के अंदर गाइस आपने एससी का प्रोजेक्ट तो आपने देख लिया है, इसको निकालना भी फिर फालतू का टाइम वेस्ट है, मैं आपको सारा वहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज का जो ब्लॉग है ना बहुत ही ज़्यादा तबाही वाला सीन होने, पर आपको ना मैं एक बार इसका स्टॉक साउंड सुना देता हूँ कोल्ड स्टार्ट करके। चाबी लगी हुई है भाई पहले गियर में यार, गाइस इसका ना लास्ट टाइम आज ना इसका स्टॉक का साउंड सुन लो, क्योंकि इसके बाद आपको स्टॉक साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इसी से ही मिलेगा। तो गाइस लेट्स सी। तो गाइस मैंने यहाँ पे बाइक कर दी अपनी कोल्ड स्टार्ट, और गाइस ये मेरा बैंड पाइप है गणेश भाई ना काफी देर से बुला रहे मेरे को। एक तो गाइस यहाँ पे ना इंट्रो करते करते भाई आप पसीना देख रहे हो मेरे फेस पे, पूरा पसीना पसीना हो रखा है। और मैंने यहाँ पे स्पेशली ना पता मम्मा को बुला रखा है यहाँ पे कि मेरा इंट्रो वगैरह शूट करवा दे, क्योंकि गाइस मेरा आज ऊपर रूम पे करने का मन नहीं था, क्योंकि वहाँ लाइट भाग रही है और पंखे वगैरह सारे बंद हो रखे, बहुत ज़्यादा गर्मी हुई। तो मैंने सोचा बाहर पे करूँगा, और गाइस फालतू टाइम वेस्ट ना करते रहना, फटाफट से चलते हैं। मेरे को ये सारा सीन जो भी है इसको बैग में रखना है, और गणेश भाई भी वेट कर रहे हैं। और इसका ना एक बारी मैं आपको रैप करके सुना देता हूँ लास्ट टाइम, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि गाइस हमारी गाड़ी में एग्जॉस्ट लगने वाला है। गाइस यहाँ पे ना मम्मा बोल रही है मुझे बाइक स्टार्ट करनी है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं तू कर ले एक बार, क्योंकि मेरे लिए फटाफट देर हो रहा है। और आप मेरे फेस में देख रहे होंगे गाइस पूरा पसीना पसीना हो रहा है, बहुत बुरी हालत है भाई इत मतलब आपके लिए व्लॉग्स जो लाने गाइस। तो मैं फटाफट से ना मम्मी को बाइक स्टार्ट करवाते हैं। चलो करो पहले ना रेड वाले को डाउन करो, पहले रेड वाले को, हाँ पूरा रुक जा, जब तक वो बीप करेगा तब तक सेल्फ नहीं मारना, अब मारो बस, अब छोड़ दे, हो गई कोल्ड स्टार्ट हो गई। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ने बाइक स्टार्ट कर दी है भाई। तो गाइस यहाँ पे से ना मैं भी निकलता हूँ, बहुत गंदा वाला पसीना हो रहा है। तो गाइस प्लीज़ यार भाई जो भी मेरे चैनल पे नया है ना प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाया करो और पूरी वीडियो वॉच। अरे मम्मी ने यार एग्जॉस्ट गिरा दिया मेरा। अबे यार मम्मी क्या कर रही है यार, क्या चक्कर है भाई। चलो कोई बात नहीं गाइस, कॉमन सी चीज़ है, बट गाइस यार पूरा वीडियो वॉच किया करो यार और कमेंट किया करो, बंद मत कर, रहने दे स्टार्ट ही रहने दो उसको, मैंने जाना है। तो गाइस आपको सीधा मिलते हैं मोटो ब्लॉग में, और आज का जो ब्लॉग है बहुत तबाही वाला होने वाला है भाई, बस सपोर्ट चाहिए भाई आप लोगों का, मैं फाइनेंशियली नहीं बोल रहा, बस भाई वीडियो वॉच किया करो यार प्लीज़ यार। तो ये बैंड पाइप है भाई, आज मैं आपको ना पूरी गाड़ी का लुक दिखाऊंगा, और उसके बाद तो गाइस आपको पता है गाइस ब्लॉग बहुत ही तबाही वाले आने वाले, रिएक्शन ब्लॉग भाई, हाइपर वाइपर सब कुछ। तो गाइस मैं निकलता हूँ फटाफट से, ठीक है। सो गाइस गुड इवनिंग, दिस इज मी सोनू नेगी, यू आर वॉचिंग नॉडी नेगी। तो गाइस आज की जो व्लॉग है गाइस आपको पता ही है, और गाइस इधर देखो भाई कोई हेलमेट नहीं है, कुछ नहीं है भाई, रिएक्शन देख रहे हो तुम बहकर, फिर हमारा चालन काटते हो भाई ये लोग, ठीक है। खुद भयंकर कुछ भयंकर हेलमेट वुलमेट नहीं रखे हुए कुछ भी, और गाइस मैं भगा के निकलता हूँ पुलिस वाले से, कुछ नहीं डर रहा भाई, चीता ही कह दे कुछ नहीं है भाई। भाई वायरल तभी तो होंगे ना जब कोई सीन शॉट होगा। ओ भाई किधर से जाना है मेरे को, इधर से ही चलते हैं। ओ भाई, और तो गाइस आज के बाद ना आपको बहुत खतरनाक वाले व्लॉग मिलने वाले भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाले, क्योंकि भाई अभी देखो ये बाइक ना मेरा मॉन्स्टर अभी बोलता नहीं है भाई, ये आज बोलेगा शाम को जब इसमें पूरा फिट हो जाएगा ना, नेक्स्ट लेवल वाले भाई। अभी सौरभ भाई भी आ रहा है गाइस, हमने सौरभ भाई को कॉल किया है जस्ट अभी, भयंकर आवाज ही नहीं आ रही, मैंने कहा भाई घर से बाहर तो निकल ले,
तो वो अभी आ रहा है, मेरे को मिल रहा है मार्केट में देवी मंदिर में। तो फिर वहां से ना सक्षम के घर जाके फिर हम जैसे भी होगा हम पूरा कर देंगे। यहाँ पर ही बोला था उन्होंने सुंदरियाल वेल्डिंग पॉइंट, सुंदरियाल तो ये रहा गाइस, सुंदरियाल तो ये रहा, मगर गणेश भाई लोग कहाँ है भाई। ये रहा गाइस दिस सुंदरियाल वेल्डिंग पॉइंट, गणेश भाई। बेटे दो जगह में हैंडल ऐसे ऐसे भाई, 120 की स्पीड में ऐसे ऐसे। हाँ गणेश भाई कहाँ है? मैं सुंदरियाल के ठीक बाहर हूँ, सुंदरियाल के इससे पहले आ जाएगी ना इधर के लिए कोर्ट की तरफ के लिए, मतलब मेरे को आ गया ना वापसी यहाँ कोर्ट की तरफ के लिए। हाँ हाँ मतलब उधर साइड के लिए ना, अपने घर के साइड के लिए। हाँ हाँ इधर के लिए, मतलब वहाँ पे कहाँ पर है? मैं रोड पे आ गया हूँ। ठीक चल ठीक है, मैं आ गया। पता नहीं गाइस क्या चक्कर है यार, अभी आगे के लिए बोल रहे हैं। कंफ्यूज नहीं करना गाइस किसी को, मैं नहीं चाहता मेरे चक्कर में किसी का क्रैश हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बकीती करता हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता भाई कि मेरे चक्कर में क्रैश वगैरह हो। आ जा आ जा आ जा। अच्छा भाई गणेश भाई ये चेक करो गाइस, आज ये लगाने वाले हैं हमारी बाइक में एग्जॉस्ट। इधर है अंदर सौरभ भाई को, आ जा। तो गाइस ये चेक करो भाई अपनी गाड़ी लग चुकी है, और क्या हाल है भाई गणेश भाई? तो भाई यहाँ पे गणेश भाई लगे भाई अपनी गाड़ी में पूरा, और गाइज यहाँ पे ना अपनी जो भी बोलते हैं इसको डिबली वगैरह पूरा वो हमने रिमूव कर दिया है, ठीक है। और अभी ना गाइज अभी मैं बिना एग्जॉस्ट और बिना बैंड पाइप लगाए ना आपको एक बार इसका साउंड मैं आपको चेक कराऊंगा। पहले ना गणेश भाई अपना जो भी नटबोर्ड वगैरह वो टाइट करके फिर आपको इसका साउंड, फिर अपना गाइज SC का प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरा साउंड इसका एक बार चेक करेंगे प्रॉपरली, ऐसी करा दूँ। तो गाइज चेक करो इसका क्या साउंड आ रहा है, रैप मत देना भैया। गाइस ये जो बैंड पाइप बना, देखो बैंड पाइप लगने के बाद देखना भाई इसकी लुक जो आ रही है ना एकदम नेक्स्ट लेवल आ रही है, नहीं लग रहा क्या? ओ भाई अब चेक करना गाइस इसका SC में एक बारी, हमने अभी ना कुछ भी मतलब इसको वैसा फिट नहीं किया है, बस वैसे ही सुन लो आप। ओ भाई यार, अरे भाई साहब गाइस देख रहे हो 3 लीटर भाई का बैंड, अरे फिर से करने स्टार्ट। अरे यार भाई गणेश भाई बोला बहुत लाउड हो गया भाई, तो क्या बोलते हैं पूरे कोटद्वार में मेरा ही होगा फिर ये इतना लाउड है भाई। तो गाइस अब ये मेरा होगा पूरे के पूरे कोटद्वार में, गणेश भाई खुद बोल रहे हैं क्योंकि उसने तो अपनी 390 पूरी सोल्ड कर दी है, ठीक है, उसके पास है नहीं पहले थी। और गाइस गणेश भाई ने हमारी बाइक में टेल और आगे की फॉगलाइट वगैरह सारा लगाया था, और वही मेरी गाड़ी में एग्जॉस्ट भी लगा रहा है सक्षम भाई के घर में। तो गाइस पूरा ना पहले इसको पूरा करते हैं इंस्टॉल वगैरह जो भी इसमें कटिंग का सीन होगा, नहीं तो गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे में, तो आपको थोड़ा शॉर्टकट करके दिखाऊंगा। और आप इधर चेक करो भाई गणेश भाई फुल मेहनत में लगे इधर। तो गाइस ये जो होता है क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर पेपर है ना, वही सिल्वर पेपर, तो इसको गाइस इसलिए पैक करते हैं। हाँ वही मतलब इसको इसलिए लगा रहे हैं ताकि गाइस इसकी हवा वगैरह बिल्कुल भी वो ना हो, लीक वगैरह समझ रहे हो ना जो भी है। तो गणेश भाई जो तुम बोल रहे थे इसमें कि मतलब मेरे को वो लगाना पड़ेगा फिल्टर वगैरह कहीं इंजन वगैरह में, तो वो तो नहीं है जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है ना। तो गाइस वो चेक करो भाई वहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, गणेश भाई बोल रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। और भाई अगर तू भी मेरा व्लॉग देख रहा होगा ना तो इसको हाँ कैनन का एयर फिल्टर डाल देना ओरिजिनल, वो कितने का पड़ेगा? 5.5 से 6 हजार रुपए का फिल्टर होगा वो डाल देना। तो भाई सुन लो भाई गाइस गणेश भाई ये बोल रहे हैं 6.5 से 6 हजार रुपए का कैनन का बोला था ना, कैनन तो भाई कैनन का पता नहीं कहाँ मिलेगा, जो भी होगा गाइस कुछ टाइम बाद, सिर्फ 2-2.5 महीने, तो फिलहाल मैं इसको वैसे ही चलाऊंगा बिना फिल्टर के। ज्यादा लॉन्ग टाइम रखूंगा तो मुझे वो लगाना ही पड़ेगा फिर उसके बाद। गाइस अपना ना बाइक का गाइस पूरा ऑलरेडी पूरा काम हो गया, बट गाइस थोड़ा सा हमने जुगाड़ कर रखा है वो चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा बाइक में चलते चलते। बट गाइस अभी गणेश भाई ने ना पूरा जैसा भी हुआ जो भी टाइम लगा है मतलब कम से कम 2-2.5 घंटे तो मतलब ऑलमोस्ट लगी है, हालत देख लो, और गणेश भाई की भी हालत देख लो इधर, और सौरभ भाई भी मेरे साथ उस टाइम से यहाँ पर से। और गाइस अब आती है भाई बात इसको स्टार्ट करने की, कोल्ड स्टार्ट की विद एग्जॉस्ट के साथ, स्टॉक का हमने पूरा रिमूव कर दिया है, वो हमारा भाई उधर पड़ रखा है, ठीक है, ये साइड मतलब वो क्या बोलते हैं अरे पैडॉक, हाँ पैडॉक लगाया था, और ये जो भी हमने ये मतलब लगाया था इसमें सिल्वर पेपर वगैरह, ठीक है ना,
अभी गाइस जुगाड़ क्या कर रखा है कि यहाँ पे हमने तार लगा रखी है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो क्लैंप है ना ओरिजिनल वाली होगा लग नहीं रही, टाइट ही नहीं हो रही, ठीक है। तो मैं देहरादून जाके जब भी मेरा हिसाब किताब बनेगा मैं तब करवा दूंगा। और फिलहाल ना गाइस इसका भी कुछ मतलब स्टार्ट नहीं किया, तो गणेश भाई से स्टार्ट करवाता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। एग्जॉस्ट सुनने के लिए भाई रेडी रहो भाई। ऐसी गाइस जो आप बोल रहे थे ना कब से की लगाओ लगाओ लगाओ, तो गाइस हमने लगा दिया। चलो गणेश भाई कर दो स्टार्ट कर दो भाई। तो गाइस चेक करना भाई, अरे कर 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 यार, ये चेक करो गाइस। अभी पता मैंने इसमें डीबी लगा रखा है अंदर, फिर भी भाई बहुत ज्यादा लाउड है, पता है। अगर इसका डीबी जैसे हमने हटा दिया ना तो भाई फुल खेतना फुल जरा। अभी गाइस पता है यहाँ पे इसलिए नहीं खेत रहे ना भाई, गणेश भाई का भी घर है यहाँ पे, तो अच्छा नहीं है, पूरी फैमिली सो रही है। तो मैं अभी आपको ना आगे चल के इसका पूरा साउंड सुनाता हूँ भयंकर वाला, ठीक है ना। और अभी आप फील करना पूरी राइड वगैरह। सो हेलो गाइस, तो गाइस फाइनली भाई अपनी बाइक पे एग्जॉस्ट लग चुका है। और गाइस अभी ना मैं आपको थोड़ा सा ना इसके रिएक्शन चेक कर रहा हूँ ना भाई, इतने प्यारे और इतने नेक्स्ट लेवल रिएक्शन मिल रहे हैं ना मेरे को, क्या बताऊँ यार, मतलब नेक्स्ट लेवल चीज हो रही है। अभी तो गाड़ी अभी गाइस मैंने इसमें डीबी लगा रखा है भाई, मतलब डीबी लगाए में भी पर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बच्चे बुच्चे होना, तो यार मैं तो वही बोलूंगा भाई जिस बंदे ने भी ड्यूक में या सुपर बाइक्स में एग्जॉस्ट लगाया ना भाई, तो पब्लिक प्लेस में करो, बट लेकिन जहाँ पे ऐसा करो कि जहाँ पे थोड़ा सही हो माहौल ना, कि जवान जवान टाइप के से बच्चे बूढ़े के सामने नहीं बस, है ना। तो गाइस मेरे पीछे सौरभ भी आ रहा है, और एक बार ही ना इसको मैं पेलता हूँ गाड़ी, देखो वहाँ इसके रिएक्शन चेक करना बाबा। ओ भाई रिएक्शन चेक कर रहा गाइस। अभी ना गाइस मैं आपको इसका जो प्राइस वगैरह था ना एग्जॉस्ट का, बेंड पाइप का और पूरा, ओ भाई गाइस अब बहुत तबाही वाले व्लॉग आने वाले भाई आपके लिए, एकदम रिएक्शन व्लॉग। बट वही है गाइस, देखो भाई इस वाले व्लॉग में ना भाई मेरे को नहीं भी देख, गाइस रिएक्शन देख रहे हो आप। और गाइस मैं आपको ना पहले इसका थोड़े से रिएक्शन दिखा देता हूँ यार, आप लोग काफी टाइम से रिएक्शन का वेट कर रहे थे ना। लो भाई एक तो मेरे टायर पे भी ना थोड़ी सी हवा कम है, तो यार ये तो एग्जॉस्ट लगा के बहुत ही गंदी भाग रही यार भाई, एग्जॉस्ट निकले ना, बिकॉज गाइस इसमें मैंने क्लैंप लगा नहीं रखा है क्योंकि क्लैंप का जुगाड़ हुआ नहीं है मेरे पे। और भाई मैं इसका ना पूरा टोटली आपको ना कॉस्ट आगे बताता हूँ, रुक के थोड़ा थोड़ा आपको एक बार ना इसका लुक दिखा देता हूँ, ओवरऑल कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। बट आप यहाँ पे ना गाइस रिएक्शन चेक करो भाई, हैं यार मैं थोड़ा भी जरा व्लॉग शूट कर रहा हूँ ना, मैंने कहा व्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अरे जानता हूँ मैं तेरे को, तभी तो बोल रहा हूँ, चल ठीक है तमाम। ओ भाई गाइस भाई सब रिएक्शन नेक्स्ट लेवल रिएक्शन भाई, बस भाई अभी तो मजे ले रहा हूँ। होप गाइस अबे ये क्या उड़ रहा है, सौरभ तो भाई पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया कहाँ नहीं गया, एक नंबर रिएक्शन है भाई। तो गाइस अभी यहाँ पे पुल पे थोड़ा सा आपको इसका दिखाते हैं सीन, ऊपर आ जा, आज बहुत ज्यादा भगा दी गाइस मैंने, बहुत ज्यादा भगा दी पुल पे, आज भीड़ नहीं है, नहीं तो मैं आपको यहाँ के रिएक्शन चेक कराता, एक नंबर चेक कराता। तो गाइस ये लगाइए भाई मैंने अपनी यहाँ पे बाइक, एंड गाइस तो भाई ये चेक करो गाइस अपनी बाइक है, और ये लग चुका है भाई अपनी गाड़ी में एससी प्रोजेक्ट फुली टाइटेनियम का 1.5 लाख रुपए का एग्जॉस्ट। मजाक कर रहा हूँ यार, 1.5 लाख रुपए का नहीं है, बस गाइस इसका जो अंदर का जो 3 लेयर का जो कलर है ना वो टाइटेनियम का है, अदरवाइज बाकी पूरा स्टील। और देखो गर्म होके देखो यहाँ पे कैसा हो रहा है, देखो ब्लू हो रहा है, और देख रहे हो इंजन ऑयल का तो पूरा झाग बन गया। बस गाइस इधर से ना क्लैंप नहीं लगा रही यार, पता क्लैंप ना ये स्टॉक वाली क्लैंप लग नहीं रही है, मेरे को जल्दी से देहरादून जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही मेरे को सारा सीन करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो क्लैंप का। बाकी ऊपर से तो पूरा ऑलमोस्ट
पूरा एकदम मतलब प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ अच्छा अटैच हो रखा है, स्प्रिंग हो गया, सब कुछ हो गया। एंड गाइस मैं आपको लास्ट इसका ना प्राइस बता देता हूँ, जो मुझे प्राइस पड़ा है ना इसका, ये जो SC का प्रोजेक्ट है ना गाइस, ये मुझे 7,200 का पड़ा था। बट गाइस अब आप अगर चेक करोगे अमेजोन में ना, मतलब अमेजोन में चेक करोगे तो आपको ये लमसम आपको 5700 का पड़ेगा, 5700 कुछ का पड़ेगा ये वाला, एग्जॉस्ट बता रहा हूँ। और जो बैंड पाइप है ना, ये मैंने करोल बाग से मंगाया था गाइज, मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगा। ये मैंने करोल बाग से गाइज, मेरे को शिपिंग चार्ज लगा के 26 और 150 रुपये शिपिंग चार्ज लगा के 2750 रुपये का मेरे को बैंड पाइप पड़ा था। तो आप टोटली जोड़ लेना कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा। और गाइज आपको लास्ट बारी ना इसका एक बारी मैं आपको नोट चेक करा देता हूँ विथ SC प्रोजेक्ट के साथ। यार गाड़ी न्यूट्रल हो रही है, जस्ट वेट गाइस, अब थर्ड न्यूटन हो गया। ये चेक करो, सुन रहे हो गाइस? अभी पता मैंने गाइस इसमें DB लगा रखा ना, तो इतना बेस नहीं आ रहा भाई, जिस टाइम पर मैंने विदाउट DB चेक किया था ना, तो अरे अंकल जी अभी पुल खाली है ना, तो इसलिए बना दिया मैंने। नहीं अंकल मैं गाड़ी हटा दूंगा, टेंशन ना लो आप। अरे यार, तो गाइस ये है साउंड इसका। तो गाइस मैंने अभी किया अपना वाइजर डाउन ताकि आपको मेरी वॉइस भी आए। भाई इतना ज़्यादा लाउड है ना कि मेरी वॉइस आप पॉसिबल ही नहीं है कि आप ठीक से सुन पाओगे, बट आप सुन पाओगे क्योंकि मैंने वाइजर डाउन कर दिया है। एंड गाइस यार प्लीज़ भाई कीप सपोर्ट भाई इस वाले ब्लॉग में ना गाइस, कम से कम भाई 500 कमेंट्स तो गाइस होने चाहिए। उसके बाद गाइस आपके लिए नेक्स्ट रिएक्शन ब्लॉग, मार्केट रिएक्शन ब्लॉग, कॉलेज रिएक्शन ब्लॉग सारे लाऊंगा भाई, सारे आपकी डिमांड में लाऊंगा। बट गाइस 500 कमेंट चाहिए, तो गाइस जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बता दे मुझको तेरे बिना।